अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मालिक ब्लॉगर्स टर्की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू जी। तो व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्री कॉपीराइट्स म्यूज़िक से। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली न्यू यूज़र्स, उनको ये पता नहीं होता कि फ्री कॉपीराइट्स म्यूज़िक कहाँ से डाउनलोड करने हैं और उनको यूज़ कैसे करना है। वैसे तो बहुत सी जो है गूगल पे जो है आपको जो है कंपनीज मिलती हैं, साइट्स मिलती हैं जो आपको फ्री कॉपीराइट्स म्यूज़िक की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो लिखा तो सामने होता है फ्री कॉपीराइट्स, लेकिन बैक एंड पर जो है वो आपको फिर चार्ज करना शुरू हो जाते हैं। ये आपको जब डिटेल में उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसका अल्टरनेट जो हमारे पास बहुत ज़्यादा बेस्ट जो सोल्यूशन हमें वो IT स्टूडियो ने खुद ही दिया है, यूट्यूब ने हमें दिया है कि आप जो है फ्री कॉपीराइट्स म्यूज़िक उनके यूज़ करें। आप सीधा सीधा जाएं YT स्टूडियो पर जाएं, गूगल क्रोम पर जाएं, और गूगल क्रोम में आपको जो है यूट्यूब ने जो है आपको फैसिलिटी दी है कि आप वो फ्री कॉपीराइट्स म्यूज़िक जो है उनको डाउनलोड करें, अपनी वीडियोस के साथ अटैच करें विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी कॉपीराइट इशू, विदाउट एनी स्ट्राइक। तो इधर उधर जाने से बेहतर नहीं कि हम लोग जो है वो म्यूज़िक यूज़ करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे डाउनलोड होते हैं और ये कहाँ पर हैं और ये कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। हेलो व्यूअर्स जी, तो हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं कि हमने जो है गूगल क्रोम से हमने जो अपने जो है फ्री कॉपीराइट्स म्यूज़िक हमें वो कौन सी साइट, कौन सी जगह है जो गूगल क्रोम हमें प्रोवाइड करता है फ्री कॉपीराइट्स म्यूज़िक डाउनलोड करने के लिए, अपनी वीडियोस के साथ अटैच करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम पे। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पर आने के बाद मैं यहाँ पर ब्राउज़र में यहाँ पर लिखता हूँ YT स्टूडियो। YT स्टूडियो लिखने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है YouTube स्टूडियो। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है YouTube स्टूडियो। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास ये ऑप्शन आ गई है गेट द ऐप। हमने इसको क्लिक नहीं करना। मैंने यहाँ पर जो गेट द ऐप के नीचे है कंटिन्यू टू स्टूडियो, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करना है। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया है, ये मेरे पास आ गया है, मेरा जो चैनल है गूगल क्रोम में आके ओपन हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। अपने एनालिटिक्स में यहाँ पर चेक करता हूँ अपने व्यूज़, यहाँ पर अपना जो है वॉच टाइम और जो है मतलब सारा कुछ यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो है चैनल है, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। ये राइट पे आप देख रहे हैं मेरे चैनल का लोगो है। ठीक है, ये मेरा चैनल। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो है फ्री कॉपीराइट्स म्यूज़िक हमें कहाँ से मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर ये जो ये थ्री लाइन्स इसको क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं, वीडियोस की है, प्लेलिस्ट है, एनालिटिक्स है, कमेंट्स है, सब्टीट्यूट्स हैं, सबटाइटल्स हैं, उसके बाद जो है मोनेटाइजेशन है, कस्टमाइजेशन है, और उसके बाद ऑडियो लाइब्रेरी है। तो हमने कहाँ से अपने म्यूज़िक लेने हैं, फ्री कॉपीराइट्स म्यूज़िक कहाँ से लेने हैं, हमने लेने हैं ऑडियो लाइब्रेरी से। तो ऑडियो लाइब्रेरी को हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा नेट स्लो है। जैसे आपने ऑडियो लाइब्रेरी को क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट आ गई है। ठीक है, ये सारे जो है उसके जो है म्यूज़िक हैं जो YT स्टूडियो या YouTube आपको जो है फैसिलिटेट कर रहा है। ये सारे जो म्यूज़िक हैं ये फ्री कॉपीराइट्स म्यूज़िक हैं। यहाँ से आप सारे जो म्यूज़िक जो आपको पसंद है आप उसको प्ले करें। प्ले करने के बाद आपको जो पसंद है उस म्यूज़िक को जो है आप डाउनलोड करें। फर्ज करें मैं ये फर्स्ट म्यूज़िक है, इसको प्ले करता हूँ।
इसको म्यूज़िक को पहले मैंने प्ले किया, प्ले करने के बाद ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा लगने के बाद जो है मैंने ये जो आप मुझे डाउन एरो जो देख रहे हैं यहाँ पर, इस डाउन एरो को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन आते हैं ड्यू वांट टू डाउनलोड, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर लें। अब चूँकि मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ तो ये मुझे कहता है कि अगेन आपने इसको डाउनलोड करना है, तो कह देते हैं इसको अगेन कर लो, कोई इशू नहीं है। ये मैंने इसको अगेन इसको कर दिया, तो ये जो आपका जो है जो आपका जो प्लेलिस्ट का जो म्यूज़िक का जो फोल्डर है उसमें ये जाके उसको सेव कर देगा। इसमें वन बाई वन फिर जो आपको जो म्यूज़िक पसंद है आप उसको वन बाई वन उसको प्ले करते जाएं, जो आपको पसंद आएगा उसको आप डाउनलोड कर लें। तो आप ये जो म्यूज़िक है अपनी जो है वीडियोज़ के साथ डाउनलोड किया अपना उसको अटैच किया करें, और अपना जो है मतलब कोई आप वो बनाना चाहते हैं इसका क्या नाम है, आजकल रिंगटोन्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है तो आप रिंगटोन्स इसके साथ बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आपको मैं फिर एक दफ़ा छोटा सा बता दूँ, ये छोटी ये थ्री लाइंस है इसका आपको क्लिक करें, इसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, डैशबोर्ड है, वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट है, उसके बाद एनालिटिक्स है, कमेंट्स हैं, सबटाइटल्स हैं, मोनेटाइजेशन है, कस्टमाइजेशन है, और उसके बाद ऑडियो लाइब्रेरी। तो आपने यहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड करना है जी। तो ये मेरी थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जो है पसंद आएगी, तो आप इसको यूज़ करें अपने जो है उसमें वीडियोस के साथ इस म्यूज़िक को। तो इसके साथ ही फिर मुझे दें इजाज़त, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।